पहले खा भी लेता। भाई बना बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है। सबसे पहले लिया है मैंने एक मिक्सिंग बाउल, जिसमें मैं पहले वेजिटेबल को तैयार करके रखूंगी मिक्सचर के लिए। मैंने यहाँ पे देखिए गाजर काट के लिए है, प्याज काट के लिए हुई है। अब मैं इन दोनों को डाल देती हूँ इस बाउल के अंदर। और यहाँ पे ली है मैंने पत्ता गोभी, अब इसमें से भी मैं डाल दूंगी। और अब इसके अंदर डालूंगी मेयोनीज। और देखिए मेयोनीज मैंने इसमें डाल दी है। और अब इसको मुझे मिक्स करना है बहुत अच्छे से। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके इसको मिक्स कर लिया है। और देखिए इसमें मेयोनीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ काली मिर्च का पाउडर, जो कि सैंडविच के मिक्सचर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर है घर में तो आप ज़रूर डालिएगा। मैंने कूट के रखी हुई थी काली मिर्च, तो वो डाल दे रही हूँ मैं। और मिक्स कर लेती हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेयोनीज के अंदर नमक पहले से होता है, तो आप ज़्यादा ना डालें, बिल्कुल थोड़ा सा डालें। तो आधे छोटे चम्मच से भी कम मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर से। देखिए मैंने यहाँ पर मिक्सचर तैयार कर लिया है एकदम बढ़िया से सब्जियों का। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, सैंडविच को बनाएंगे सुपर डुपर टेस्टी। तो जिसके लिए मैं बनाऊंगी यहाँ पे गार्लिक बटर, बिल्कुल ऑप्शनल है। और अगर बनाएंगे इस तरह से तो बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको, आपको ऐसे लगेगा आप दो चीज़ें खा रहे हैं, गार्लिक ब्रेड और गार्लिक सैंडविच, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। तो इसके लिए मैंने बटर ले लिया यहाँ पे, और इसके अंदर डाल दूँगी ये गार्लिक, और इसको मुझे कर लेना है मेल्ट। देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको पिघला लिया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ओरिगेनो, बिल्कुल ऑप्शनल है। और अगर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपने पहले भी देखा हुआ है कि मैंने एक रेसिपी में इसको इस्तेमाल किया है। और इस तरह से हमारा गार्लिक बटर बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो चलिए अब फाइनली बना लेते हैं हम सैंडविच। यहाँ पे देखिए मैंने एक और कटोरी ले ली है खाली, अब मैं इसके अंदर मेयोनीज डाल दे रही हूँ। और डालेंगे टमाटो केचप, ये हम सैंडविच ब्रेड पे लगाने के लिए मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। तो दो बड़े चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पे मेयोनीज लिया है, और दो चम्मच के करीब ही टमाटो केचप लिया है। और इसको कर लेती हूँ बहुत अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम जब तक कि ये पिंक कलर का नहीं हो जाता थोड़ा सा। तो ये देखिए हमारा होममेड सैंडविच सॉस बनकर तैयार है, और बहुत ही फटाफट से बन जाता है। दो चीज़ों को मिला के आप यहाँ से सिर्फ मेयोनीज भी लगा सकते हैं, पर ये दोनों लगाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सैंडविच का टेस्ट। तो अब चलिए सैंडविच बना लेते हैं। तो देखिए मैंने दो यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस ली है, वाइट ब्रेड लिया है मैंने। आपको जो मिले और जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अब इसके ऊपर लगा देती हूँ मैं ये जो सॉस बनाई थी मैंने होममेड, बहुत अच्छे से लगा दूँगी। देखिए इसी तरह से दूसरे पे भी लगा लेती हूँ। देखिए दोनों ब्रेड के ऊपर मैंने लगा लिया है ये पेस्ट जो बनाया था। अब मैं ये मिक्सचर लगा देती हूँ। तो एक ही ब्रेड की स्लाइस पे मैं मिक्सचर लगाऊंगी। आपको जैसे भी पसंद है सब्जियाँ उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा मिक्सचर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से फैला लेती हूँ इसके ऊपर मैं। कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। और सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी थी, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। बस खाली भरा ब्रेड के अंदर और इसको सेक लिया, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। और इस तरह से कर देती हूँ बंद मैं इसको ब्रेड को। वाव देखिए, और जो ऊपर मैंने बनाया था ना यहाँ पर गार्लिक बटर, वो लगा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे देखने में भी, और खाने में तो वैसे भी ज़बरदस्त होगा ही, क्योंकि वेजिटेबल से बना हुआ सैंडविच है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है।
इस तरह से बनाएंगे तो बार बार आपके बच्चे यही मांग मांग के खाएंगे। और आपको पता है वैसे भी गर्मियाँ आ चुकी हैं तो ज़्यादा कुछ बनाने का नहीं मन करता है, तो सुबह के टाइम में आप इसको बना सकते हैं। और अब इसको मैं सेक लेती हूँ। यहाँ पे मैंने तेल को एक तवे को बहुत अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था और थोड़ा सा यहाँ पर डाल देती हूँ मैं ये बटर गार्लिक और इसके ऊपर रख दूँगी ब्रेड और इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है हमको ताकि अच्छे से सिक जाए। देखिए इस तरह से, और धीमी धीमी आंच पे ही हमें इसको पकाना है वरना क्या होगा कि जल जाएगा हमारा सैंडविच, बहुत ही जल्दार बहुत जल्द रंग पकड़ लेगा ये। और पलट देती हूँ क्योंकि जो तवा है वो गर्म था, और धीरे धीरे करके धीमी धीमी आंच पे ही इसको पकाऊंगी। और अब दूसरी साइड पे भी लगा देती हूँ ये गार्लिक बटर, जैसे भी आपको पसंद है, कम या ज़्यादा आप लगा सकते हैं। और मैं चूल्हे पे बना रही हूँ तो चूल्हे पे कम आंच करो तो बुझ ही जाती है, आपको पहले भी पता है, मैंने बताया है वीडियो में, तो मुझे दिक्कत होती है। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम कर सकते हैं। और इसको इस तरह से प्रेस करके सेक लूँगी बहुत अच्छे से। पलट पलट के, और देखिए इसमें रंग आना शुरू हो गया है। अगर बहुत तेज आंच जला देंगे तो एकदम से काला पड़ जाएगा ये। धीरे धीरे करके सेकिए, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होता है। तो देखिए हम इसको धीमे धीमे आंच पे बहुत बढ़िया से सेक रहे हैं और ये ऊपर से क्रिस्पी हो गया है। तो देखिए मैंने इसको पलट दिया और रंग देखिए कितना सुंदर आया है हमारे सैंडविच का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसी तरह से धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और अनाया रो रही है क्योंकि अभी सो के उठी है, इसीलिए तो हम अनाया के लिए ही बना रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, अनाया भी खा सकती है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी सेक लेती हूँ। ये सैंडविच हमारा अच्छे से सेक चुका है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है ये। अब मैं आपको काट के दिखा देती हूँ एक बार ही कि कितना बढ़िया बना है हमारा सैंडविच। और इसको इस तरह से एक कोने से लेके, देखिए चाकू रखते हुए ऐसे लेके जाऊंगी और दूसरे कोने तक। और देखिए हमारा सैंडविच कितना अच्छा लग रहा है और इसके अंदर की स्टफिंग। तो इसको रख देती हूँ प्लेट में। देखिए कितने सारे सैंडविच हमने बना लिए हैं, तो मम्मी को टेस्ट करा के पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कैसे बने हैं। और बाकी अब मैं क्या ही बोलूँ। तो मम्मी आपको कैसा लगा सैंडविच? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, स्वाद ही लगा। इसीलिए जो घर जो हमारा थोड़ा सा सरिया बन रही है वो मजदूर भी लगे हैं, मैं उनको भी सोचती हूँ थोड़ा सा खिला के देखूँ, वो भी बताएं कैसे लगा। मुझे तो बहुत ही असल अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली घर में ये चीज़ खा के। वैसे तो हम चंडीगढ़ में खाते थे, मार्केट ही जैसे बना, बहुत ही सुंदर मुझे लगा। ये हमारे गांव के काका हैं, काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। आज मैं इनको सैंडविच बना के लाई हूँ, देखो कैसे लगता है, खा के बताएंगे। काका चटनी बनाई है, वैसे काट के खा, चटनी लगा ले, ऊपर से चटनी लगा ले। हाँ बस बहुत टेस्टी चीज है भाई, अभी खाओ। पहले खा तो देखा, देखा अच्छा लागत कि नहीं, मजेदार चीज भाई, बहुत अच्छी चीज। लो मम्मी, हमारे काका को तो बहुत अच्छी लगी ये सैंडविच। आप सबको कैसे लगी आप सब भी बताइएगा, कैसे बना है कैसे नहीं, लाइक कीजिएगा और जो है शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय टाटा। देखा आप सबने, अब मैं क्या ही बोलूं, जो सबने इतनी तारीफ करी ही दी तो मेरा बोलना तो कुछ बनता ही नहीं है। और जब आप कुछ बनाएं और सब मिलके खाएं और सबको बहुत पसंद आए तो आपकी मेहनत सफल हो जाती है, यही समझिए। और सबको बहुत पसंद आई और बाकी कुछ मेरे लिए बोलने के लिए बचा ही नहीं, सब कुछ मम्मी ने बोल दिया। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।